आज मैं इन्हीं को मिला करके चार फूल एक साथ मिला के और एक बड़ा फूल बनेगा। आइए मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने ट्रेस किया है। जब मैंने छोटा वाला फूल बनाया था तो मैंने इसकी साइज़ बताई थी, पौन इंच, हमें पौन पौन इंच का स्क्वायर बनाना है, उसके बाद हमें ये फूल बनता है जो कि बराबर बनता है। इसी तरह हमें अब हमें से चार फूलों को मिला करके एक बड़ा फूल बनाना है, तो इसके लिए हमें पौन पौन इंच जोड़ करके 1.5 इंच का स्क्वायर बनेगा, लेकिन इसको 1.5 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा हमें ये बड़ा स्क्वायर बनाना पड़ेगा, क्योंकि बीच का जो है वो 1 पॉइंट का यहाँ बीच में गैप रहता है, इसके कारण हमसे 1.5 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा करके हमें इसे स्क्वायर को बनाना है। ये देखिए, इसको बनाना वैसा ही है, शुरू में तो आप वैसे ही हम बनाते हैं जैसे कि हमने पहला छोटा वाला फूल बनाया था। जहाँ हमारा ट्रेस किया हुआ है उससे थोड़ा सा नीचे हमें सुई को पहले डालना है, और जो हम निकालते हैं वो हमें लाइन पे ही निकालते हैं। ये देखिए, और हर बार जैसे मैंने पहले भी बताया था, हर बार हमें सुई को धागे के नीचे से निकाल के ले जाना है। ये देखिए, हम फिर से सुई को धागे के नीचे से ले जा रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ चेंजेस हो रहे हैं। ये देखिए, ये हमने जो सिंगल छोटा फूल बनाया था उसका हम यहीं पे ला करके हम यहाँ पे स्क्वायर को ख़त्म कर रहे थे, यहाँ पे लाके यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, लेकिन अब हमें इस स्क्वायर चार स्क्वायर जुड़ के एक बड़ा फूल बन रहा है, तो इसलिए हम इसको जो है ये वाला धागे को हम इस स्क्वायर में छोटे वाले में ख़त्म ना करके हम इसको ऊपर ले जाएंगे। ये देखिए, धागा जो है ये हमारा यहाँ बीच में आएगा। ये देखिए, इस तरह से हमें ले जाना है। और अब हमें इस स्क्वायर के ऊपर वाला जो स्क्वायर है, ये वाला, ये सेकंड नंबर वाला, यहां पे अब हमें इस स्क्वायर को बनाना है। ये देखिए, अब ये स्क्वायर हमें यहीं पे ही निकालने के बाद हमें ऊपर जाना है। ये देखिए, ये शुरू में बनाते समय अधूरा अधूरा दिखता है कच्चा करते समय, लेकिन बाद में पूरा एकदम कंप्लीट से अच्छे से बन जाता है। ये देखिए, ये अब हम इसके ऊपर वाला जो स्क्वायर है, ये वाला अब हम इसे कंप्लीट करेंगे।
इस फूल को भी हम टेबल क्लॉथ के सेंटर में बना सकते हैं और इसी तरह के चार बना करके भी हम जोड़ के और इससे बड़ा फूल हम बना सकते हैं। या आप चाहें तो साड़ी या कुर्ते पे थोड़ा सा बड़ा फ्लावर चाहते हो तो आप इसे भी दूर दूर बना सकते हैं, या बेडशीट में भी ये फ्लावर्स बन सकते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे यही चीज ध्यान देने वाली बात है, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको। अब यहाँ पे हमारे पास तीन धागे हैं, ये देखिए, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये वाला धागा है। तो हम सुई को इसके नीचे तो निकालेंगे ही, ये देखिए। अब इसमें एक धागा छोड़ के दूसरे धागे के नीचे भी हम सुई को निकाल लेते हैं ताकि धागा फंसा रहता है। ये देखिए, अब हमारा एक स्क्वायर जो है वो कंप्लीट हो रहा है, छोटे फूल वाला जो था वो एक कंप्लीट हो रहा है। ये देखिए, एक हमारा ये छोटे वाले फूल का जो है, चार स्क्वायर छोटे छोटे ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब देखा जाए तो इसको, ये देखिए, जो हमने स्टार्टिंग में बेस बनाया था वैसा ही बनते जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये हो गया। अब हम इस तरफ वाला स्क्वायर बना रहे हैं। ये देखिए, जहां जहां पर ट्रेस किया हुआ वहां हमारा फ्लावर बनते चले जाता है। ये देखिए, अब हमारा यहाँ पे ये आधा फ्लावर जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब देखेंगे तो ये हमारा आधा जो हमने बेसिक चीज सिखाया था हमारा वैसे ही यहाँ पे बन रहा है नीचे। अब हम इसे आगे बनाते हैं। इस कढ़ाई में ये रहता है कि जो हम पहले स्टार्टिंग जहां से करते हैं हमारा खत्म भी उसी वही छोर पे ही होता है। इसमें ये नहीं होता कि एक स्क्वायर कंप्लीट हो जाए फिर हम दूसरा बनाए, नहीं, पहला अधूरा ही रहता है और दूसरा जो है स्क्वायर हमारा कंप्लीट हो गया है, तीसरा वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया है। ये देखिए, अब हमारा चौथा बनेगा, लास्ट में हमारा पहले वाला जहां से हमने शुरू किया था वहीं पे ही खत्म होगा वो।
ये देखिए यहाँ तक बनाने के बाद अब हमें यहाँ ऊपर आना है। ये देखिए अब यहाँ पे आने के बाद हमें ये तीसरा वाला जो स्क्वायर है छोटा फूल का वो हमें बनाना है इस तरह से। ये जहाँ पे हमारा ट्रेस किया हुआ है ये देखिए ये हमारा तीसरा स्क्वायर भी कंप्लीट हो रहा है। सेंटर का स्क्वायर अपने आप ही कंप्लीट होते जाता है क्योंकि किनारे के स्क्वायर जब हम बनाते हैं ये देखिए यहाँ पे हमने निकाला फिर एक धागे को छोड़ करके अगले धागे के नीचे से भी हमें सुई को निकालना है। ये देखिए यहाँ भी देखिए ये देखिए ये देखिए यहाँ पे हमारे पास इसके नीचे तो हम सुई को निकालेंगे निकालेंगे अब उसके बाद देखिए एक धागा छोड़ के ये दूसरा धागा जो है उसके नीचे से भी निकालना पड़ता है। ये देखिए इस तरह से ये देखिए अब हमारा आखिरी वाला स्क्वायर बचा है। ये देखिए इस तरह से ये देखिए यहाँ भी यही है इसके नीचे हम सुई को निकालेंगे ही फिर हम एक धागे को छोड़ के अगले धागे के नीचे से भी निकालते हैं। इनका विशेष ध्यान देना पड़ता है धागे का नहीं तो फिर पक्का नहीं हो पाता है। कच्चा तो कपड़े में ही फंस के होता है लेकिन पक्का हमेशा जो ऊपर बना हुआ जो कच्चा है उसके ऊपर पूरा फिलअप हो जाता है। तो पक्का जब हम करते हैं तो वो हमारा कपड़े से उसका कोई कपड़े का रेशे में कुछ भी हम फंसा के नहीं करते हैं टोटल इसी के कच्चे के ऊपर ही हमारा जाल की तरह पूरा बुन जाता है। ये देखिए ये देखिए इस तरह से हमारा पूरा कच्चा तैयार हो गया है। अब पक्का करने के लिए
हम जहाँ पे नीचे कच्चा करने के लिए खत्म हुआ वहीं पे एक सूत छोड़ करके हम सुई को निकाल लेते हैं, क्योंकि उसी होल से हम अगर निकालेंगे तो सुई हमारी वापस रिटर्न हो जाएगी, इसलिए हम एक सूत को छोड़ करके सुई को वापस निकालते हैं। ये देखिए जहाँ हमने डाला था ठीक वहीं पे ही है, लेकिन एक सूत छोड़ के हमने निकाला है। अब हम इसे पक्का करेंगे। ये देखिए पक्का करना बहुत आसान होता है, कच्चा करने में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न इसलिए होता है क्योंकि मेन कि धागे का ऊपर नीचे होना, कहीं अगर हमको नीचे करना होता धागा और हम नहीं कर पाते हैं तो वहाँ पर पक्का नहीं हो पाता है, इसलिए दिक्कत होती है। और पक्का हमें बहुत सरल होता है, वो जल्दी ही एक बार अगर बनने लगता है तो फिर दिक्कत नहीं होती करने में। ये देखिए पक्का सेम वैसा ही है जैसे हमने पहले वीडियो में बताया है, हमें थोड़ा ढीला करके करना है पक्का, कस के नहीं करते हैं, टाइट करके खींच के नहीं करते हैं, और सेंटर का भाग अपने आप ही पक्का होते चले जाता है। ये देखिए ये पक्का करते समय भी हमें ध्यान देना है, एक धागे के नीचे से निकालने के बाद हमें एक धागा छोड़ करके नेक्स्ट धागे के नीचे से भी हमें निकालना है, ताकि धागा फंसा रहता है और हमारा ये जाल की तरह बुन जाता है। ये देखिए इस तरह से हमारा पक्का होते जा रहा है। ये देखिए ये देखो सेंटर का जो है ये हमारे स्क्वायर है, ये हमें अलग से नहीं बनाना पड़ता है, जब हम यहाँ से होकर के अगले स्क्वायर में जाते हैं तो ये बीच का सेंटर हमेशा ही अपने आप ही बनते चले जाता है। ये ये देखिए इस तरह से हमारा पक्का तैयार हो रहा है।
ये देखिए इस तरह से आधा फ्लावर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें और आगे कंप्लीट करते जाना है। ये देखिए सुई की सहायता से हम धागे को थोड़ा सा ढीला कर सकते हैं। ये देखिए ये देखिए ये मेरे दो स्क्वायर छोटे छोटे फूल वाले ये दोनों मेरे कंप्लीट हो गए हैं और मैं अब ये तीसरा बनना चालू हो गया है। आखिरी में जो हमारा पहला वाला फ्लावर जो हमने शुरू किया था वो वाला कंप्लीट होगा। इसमें आप साइज़ को नाप के बनाएंगे तो आपका फ्लावर जो है वो छोटा बड़ा नहीं होता है, एकदम परफेक्ट साइज़ का बनता है जिससे वो दिखने में भी सुंदर लगता है। और अगर ऐसे अंदाज से स्क्वायर बना के बनाने से वो कुछ कोई फ्लावर छोटे कोई बड़े हो जाते हैं और उसमें स्क्वायर भी सही साइज़ के नहीं आ पाते हैं। ये देखिए इस तरह से हमारा फ्लावर कंप्लीट हो गया है। ये देखिए ये देखिए इस तरह से हमारा ये फ्लावर कंप्लीट हो गया है। ये देखिए आप इन फ्लावर्स को इस तरह से टेबल क्लॉथ में भी बना सकते हैं। ये देखिए ये वाला मैंने बॉर्डर आपको पहले वीडियो में बताया है और ये फ्लावर जो अभी मैंने बताया आपको सेंटर फ्लावर, आप चाहें तो टेबल क्लॉथ में ऐसे कॉर्नर में भी बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने चार कोनों में ये वाले फ्लावर बनाए हैं और सेंटर में हमने इस तरह से बना लिया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।